होता है किसके किसके बीच में, लड़का और लड़की के बीच में। ये लड़का है और ये लड़की, ये लड़की कैसे है इसका बाल है। ये लड़का है, मजाक कर रहे हैं आप। ये समझ लीजिए ये हम हैं, ऑडिटर हैं और एक क्लाइंट है, मतलब ये एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या अपना कोई फर्म है, मतलब इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि स्कोप ऑफ ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज ऑडिट नोटबुक, सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस ऑडिट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आंसर, ऑडिट नोटबुक, एन ऑडिट नोटबुक इज यूजली अ बाउंड बुक इन विच लार्ज वैरायटी ऑफ अमाउंट, सपोज इट इज नथिंग जस्ट अ नोटबुक, आप ऑडिट कर रहे हो ठीक है, आपको बहुत सारा इनपुट मिल रहा है या फिर आपको कुछ चीजें समझाई जा रही है, सर देखिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है और ऐसी है, तो आप अपनी डायरी पे या फिर कहीं पे जो कुछ लिखते हैं, जिस कॉपी में लिखते हैं या फिर कोई भी एक नोटबुक बनाते हैं, उस पर जो डेटा आप लिखते हैं उसको बोलते हैं ऑडिट नोटबुक। ये डेटा बहुत सारा हो सकता है, वाइड रेंज ऑफ डेटा, ये इसका यूज क्या होगा। ऑडिट नोटबुक ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वैल्यूएबल हेल्प टू द ऑडिटर टू पिकिंग अप द लिंक्स वर्क व्हेन द कंसर्न असिस्टेंट इज अवे और द वर्क इज स्टॉप टेम्पोरली। जैसे ये नोटबुक बना हुआ था, एक फ्लो बना रहेगा आपके पास, अगर आपने इसमें कहां तक काम किया और हमें कहां तक काम करना है। यूज फॉर रिकॉर्डिंग द वेरियस क्वेरीज रेज्ड इन द कोर्स ऑफ द वर्क एंड देयर स्टेट ऑफ द डिस्पोजल। सपोज ये नोटबुक से आप अगली बार भी काम करने आएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि तो ये लोग आएंगे, इनको भी यहाँ से हेल्प मिल जाएगा, यहाँ से देख के इनको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीजें हैं और इसको हम यूज करके आगे प्लान कर सकते हैं। So it is nothing but a book in which we record the input provided by the management, okay? Okay. In respect of the disposed query, explanation obtained and evidences seen would be recorded in the same book. Evidence kya mila aur uska kya kya reason aur follow-up kya unhone diya nahi diya, kab tak denge, wo kya date hai, wo aap likh sakte ho. Second one is continuous audit. What is continuous audit? A continuous audit is one in which the auditor's staff is engaged continuously in checking the accounts of the client. Continuously checking मतलब रोज जाके चेक कर रहा है, checking मतलब रोज जाके चेक कर रहा है during the whole year, एक साल मतलब हर दिन वो वहीं पे। For the purpose, the staff attends the quite frequent intervals, says weekly basis during the financial records. और when ये मतलब whole year या फिर हफ्ता हफ्ता में एक बार जाके चेक कर ले रहा, मतलब होल ट्रांजेक्शन की बात करें तो ये हो रहा है। A continuous audit is preferred for the following reason. It makes it possible for the manager to exercise stricter control. अब हर रोज आके ऑडिटर बैठेगा तो सब अपना काम अच्छे से करेगा, तो एक कंट्रोल आ जाएगा। फ्रीक्वेंट अटेंडेंस बाय द स्टाफ, मतलब जो लेट आ रहे थे वो भी आ जाएंगे। द अकाउंटिंग स्टाफ ऑफ द क्लाइंट मोटिवेटेड टू कीप अप, क्योंकि अब काम करना ही है नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। Constant association of the auditor with the accounts and the affairs of the client, और उसका continuous affair रहेगा कि constant association के जो आप काम करें वो हम अच्छे समझ पा रहे, तो हमें standard audit में बहुत ही आसानी होगा। Opportunity to obtain a more detailed knowledge of the client's affairs, one that affects therefore that is discharged duty efficiently, उससे अपनी duty को अच्छे से निभा पाएगा। There are certain drawbacks also. Due to audit carried out in several installments, the audit staff may fail to keep track. अब जाके बीच-बीच में ऑडिट करना से हमारे एक ट्रेल टूट जाएगा, वो एक ड्रॉबैक है। बुक्स ऑफ अकाउंट आफ्टर दिस हैपन चेक मे बी टेम्पर्ड, हाँ चेक कर गया और कुछ आके फिर बदल दिया। ऑडिट मे बी अन इकोनॉमिकल, हाँ अगर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बड़ी नहीं तो अन इकोनॉमिकल होने के चांसेस हैं। समझ में, तो ड्रॉबैक क्या है और वो क्या है, स्टिकर कंट्रोल हो जाएगा, फ्रीक्वेंट अटेंडेंस हो जाएगी, क्लाइंट इज मोटिवेटेड टू डू द वर्क एंड कॉन्स्टेंट एसोसिएशन से वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा पाएगा। यहाँ पे क्या है कि स्टाफ ने फेल टू कीप ट्रैक, ऑडिट स्टाफ जो है कि अब एक बार ऑडिट किया, दो बार ऑडिट किया, तीन बार किया, तब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, पता ही नहीं चला उसको, ठीक है, तो भूल सकता है। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आफ्टर दिस हैव बीन ट्रैक्ड टेम्पर्ड भी हो सकती है चीजें और अन इकोनॉमिक भी होगी, अगर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन छोटा है वो आप कंटिन्यूस ऑडिट कैसे कराएंगे, अगर कराएगा तो उसे इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, isn't it? Now question number 4, state the purpose of the letter of engagement. Letter of engagement होता क्या है?
मैं बताता हूँ कि लेटर ऑफ एंगेजमेंट एक एंगेजमेंट होता है किसके किसके बीच में, लड़का और लड़की के बीच में। ये लड़का है और ये लड़की है। अब लड़की कैसे है, इसका बाल अब ठीक है, ये लड़का है, मजाक कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए ये हम हैं, ऑडिटर हैं और एक क्लाइंट है, मतलब ये एक कॉरपोरेट वर्ल्ड है या फिर अपना कोई फर्म है, मतलब इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, कहाँ तक हम काम करेंगे और ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अकाउंट्स रिपेयर करे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अकाउंट्स को देखना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बस उसको एनालाइज करना। तो ये एग्रीमेंट हो गया, लेटर ऑफ एंगेजमेंट एक होता है ऐसे 210, एक एग्रीइंग ऑन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट जिसके हिसाब से होता है, हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन, बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा था एग्जैक्ट क्या है ये देखते हैं। लेटर ऑफ एंगेजमेंट द लीगल रिक्वायरमेंट टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड, सो फॉर एक्सटेंशन टू द कंपनी, मतलब ये बोल रहा है कि लीगल रिक्वायरमेंट करने का जरूरत तो सबको नहीं है बट कुछ लोगों को है। द क्लाइंट सेंड द ऑडिट टू द नेचर ऑफ बिजनेस रिक्वेस्ट, ही रिक्वायर्स ऑन द ऑडिटर इफ ही एग्रीएबल टू अंडरस्टैंड। बोलो क्लाइंट क्या बोला कि भैया मेरा ये चीज ऑडिट करना है, ऑडिटर बोला ठीक है अगर उसको ठीक लगेगा तो करेगा, वी मस्ट साइन एन एग्रीमेंट इफ वी एक्सेप्ट द वर्क इन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट सब्जेक्ट ऑफ द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सबको देखते हुए अपना कंडक्ट ऑफ ऑडिट, वो अगर उसको लगता है कि ये चीजें हमको करने लायक हैं तो फिर उसको छोड़ दे। क्लाइंट्स हु आर नॉट स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड में रिक्वायर्ड प्रिपरेशन मे रिक्वायर्स प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट फॉर टैक्स रिटर्न, चेकिंग फॉर सेल्स टैक्स रिटर्न एटसेट्रा बिसाइड ऑडिट। इन सच केसेस देयर मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द एग्जैक्ट स्कोप ऑफ वर्क, द ऑडिटर मे थिंक दैट ही इज मेयरली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट्स व्हाइल द क्लाइंट मे थिंक दैट द ऑडिट ऑफ द अकाउंट इज ऑल्सो कवर्ड, इट इज देयरफॉर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस बोथ ऑफ द अकाउंटेंट एंड क्लाइंट दैट। अब होगा क्या, जैसे कि कुछ लोगों को बस अपना रिटर्न के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ता है, उनको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं, तो ऑडिटर क्या करेगा, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा, वो उस हिसाब से काम करेगा। लेकिन ये जो क्लाइंट है हमारा वो क्या सोच रहा, नहीं भैया ऑडिट भी होगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भी लेटर ऑफ एंगेजमेंट एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है। द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंड बाय द ऑडिटर टू हिज क्लाइंट विथ बाय द ऑडिटर टू हिज क्लाइंट विथ विच डॉक्यूमेंट द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। क्या कंटेंट करता है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, द एक्सटेंट ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द क्लाइंट एंड द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट द ICAI has issued standards on auditing that is agreeing on the terms of the agreeing the terms of the audit engagement. तो एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग इज हमारे पास एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पहले से, जैसे मैंने ऊपर बताया, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द बोथ द ऑडिटर, नहीं बेसिकली इट्स इंटरेस्ट फॉर द बोथ की जैसे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, हमको अगर पसंद है मेरा स्कोप ऑफ ऑडिट जो आपका स्कोप ऑफ ऑडिट है वो हमारे रिजनेबल है और ये लॉज और रेगुलेशन के हिसाब से आप जो बोल रहे हैं कि हम कर लेंगे विद इन द टाइम पीरियड और जो हमारी फीस है या फिर जो कुछ भी है वो हम उसमें लिख देंगे, तो ये एक बेसिकली इट्स इट इज वेरी हेल्पफुल टूल बिटवीन द क्लाइंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, और ऑब्टेन नॉलेज ऑफ द बिजनेस, एक्सप्लेन द लाइट ऑफ द परफॉर्मिंग एंड ऑडिट फ्रॉम द ऑडिटर शुड हैव और ऑब्टेन नॉलेज, उसके पास नॉलेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, मुझे तो लगता है होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई आप नॉलेज जब भी किसी एंटिटी का आप ऑडिट करने जाते हैं अगर उसकी नॉलेज नहीं है व्हाट द बिजनेस द एंटिटी डज डूइंग तब तक वो आप काम कर ही नहीं सकते। जैसे कोई भी कंपनी है, सीमेंट की कंपनी है फिर या फिर रियल इस्टेट हो गया, ऑयल कंपनी हो गई, FMCG हो गया, फिर कोई भी कंपनी हो, अगर आप वहां पे जाते हैं तो उसका वे ऑफ वर्क तो समझने होगा ना, उसके एंटिटी का नॉलेज मतलब उस बिजनेस का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, विदाउट दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो इसको हमको बताना है इन द वे ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, ऐसे नंबर 315। ओके, हमें आइडेंटिफाई करना, असेस करना रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट रोमम को, आइडेंटिफाई एंड असेसिंग रोमम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरमेंट, मतलब ये ऐसे में करना है। ठीक है, ये आंसर क्या होगा, ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ द बिजनेस, ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन अ लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस दैट विल इनेबल हिम टू आइडेंटिफाई द इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन प्रैक्टिसेस। हाँ, इतना लेवल तक नॉलेज रखिए आप कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ट्रांजेक्शन क्या हो रहे हैं, इवेंट्स क्या हो रहे हैं,
प्रैक्टिसेस क्या फॉलो की जा रही है, कैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की जा रही है इन हिज जजमेंट मे हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अमंग द थिंग्स. अपने जजमेंट में और कोई ऐसी चीज जिसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट है तो उसका नॉलेज होना चाहिए. एज पर एसएस 315 द ऑडिटर्स शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग रेलेवेंट इंडस्ट्री रेगुलेटरी और अदर एक्सटेंट. जैसे कोई भी इंडस्ट्री में रेलेवेंट इंडस्ट्री का रेगुलेशन और लॉज है वो तो जानना जरूरी है. उसका नेचर ऑफ द एंटिटी इंक्लूडिंग ऑपरेशन ऑनरशिप टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वे द एंटिटी इज स्ट्रक्चर इन हाउ इट इज फाइनेंस. ये फाइनेंस की बात कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, ये ऑपरेशन और ये ऑनरशिप की बात कर रहा है. ठीक है, एफ आई ओ से काम हो जाएगा. ये फाइनेंस की बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है. ठीक है, और ये ठीक है, और ये ऑपरेशन की बात कर रहा है. ऑपरेशन ऑनरशिप. ठीक है, नाउ टू इनेबल द ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द क्लासेस ऑफ द ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंसेज एंड डिस्क्लोजर टू बी एक्सपेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाउ द एंटिटी सेलेक्शन एंड एप्लीकेशन. द एंटिटी सेलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इंक्लूड द रीजन फॉर चेंजेस देयर टू. जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसी और कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं तो इंडिकेटिंग द रीजन, उसका रीजन आपको बताना होगा क्यों आप कर रहे हैं. ठीक है, द एंटिटीज ये हमें जानना चाहिए कि ये हमें क्या क्या चीजें जो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी प्रैक्टिसेस मतलब फॉलो कर रहे हैं या फिर चेंज कर रहे हैं तो उसका रीजन. द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी, उसकी ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी क्या है जो रिलेटेड विद द बिजनेस रिस्क एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. द मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये भी हमें आना चाहिए. मैनेजमेंट का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा उसका रिव्यू कर लें थोड़ा पहले जब भी ऑडिट करनी चाहिए. इन एडिशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस इन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट प्लान, सच नॉलेज हेल्प द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन. कुछ एरियाज में हमें स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन देना पड़ता है फॉर बोथ अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड टू मेक जजमेंट रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड डिस्क्लोजर. ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि जब भी हम कोई ऑडिट करने जाते हैं तो ऐसे 315 बोलता है कि बेसिक जानकारी आपको रहनी ही चाहिए. बेसिक जानकारी मतलब क्या कि जब आप कोई भी जब आदमी ऑडिट के लिए जा रहा है, ठीक है, ऑडिट के लिए जा रहा है, ठीक है, अब ये आदमी ऑडिट के लिए गया तो इसको नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. जब जाके वहां पे सोचेगा, 10 दिन का टाइम पीरियड मिलता है, उसी में वो सोचने लगे क्या करें कैसे है कैसे क्या है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. आपको थोड़ा सा तो नॉलेज होना ही चाहिए कि कैसे ऑपरेट करता है, उसकी क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस हैं. फर्दर ऐसे 315 बोलता है आपको ये तो नॉलेज होना चाहिए कि एंटिटीज का सेलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करता है, अगर कोई चेंजेस आता है उसकी ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी क्या है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या है, उसके मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का रिव्यू कर लीजिए. सो दिस इज वी शुड नो बिफोर गोइंग फॉर एन ऑडिट. ठीक है, और इधर क्या है, नेचर में आप फ्यू कर लेना फाइनेंशियल और उसका ऑनरशिप और ऑपरेशन चीजें जानना जरूरी है. सबसे इम्पोर्टेंट आर रेलेवेंट इंडस्ट्रीज का नॉलेज होना चाहिए आपके पास. ठीक है,